आप किस तरीके से ये टर्टल मैन की एक एप्लीकेशन है मिंट प्रो, आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे app.mintpro.in साइनअप पे भी क्लिक कर सकते हैं और प्ले स्टोर में से जा करके मिंट प्रो का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर डालने पड़ेंगे। आप जो मोबाइल नंबर डालोगे उस पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डालना है। ये वाला OTP आपको आ चुका है, उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे और आप एप्लीकेशन में आ जाएंगे। अब उसके बाद सपोज़ कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस सेल करना है तो आपको यहाँ सेल पे जाना है। सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कार, बाइक, कॉमर्शियल व्हीकल, हेल्थ, टर्म, मोबाइल, ये काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मान लो हेल्थ इंश्योरेंस किसी को बेचना है, इस पर क्लिक करिए, बाय नई पॉलिसी पे क्लिक करके सजेस्ट प्लान पे क्लिक करिए। अब किस कस्टमर को लेना है, कि सपोज मेल है, खुद के लिए, वाइफ के लिए और अपने बेटे के लिए और एक बेटी के लिए पॉलिसी लेना है। आगे सेलेक्ट करिए, खुद की एज यहाँ पे डालिए, कस्टमर की जो भी एज हो वो डालिए, डेट ऑफ बर्थ जो पास में है सपोज़ यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो डेट ऑफ बर्थ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वाइफ की एज डालिए, सन की एज डालिए एंड डॉटर की एज लिखिए। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अगर न्यू मैरिड है और कोई नए बच्चे की प्लानिंग हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप नो करके स्किप कर लीजिए। कोई ऑलरेडी अगर पहले से बीमारी है तो यस करिए, नहीं तो नो करके आप आगे जा सकते हैं। पिन कोड नंबर करेक्ट ज़रूर लिखिएगा, इससे आपके आसपास में कौन कौन से कैशलेस हॉस्पिटल हैं उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हैं। कस्टमर की आप इनकम डाल सकते हैं, जो भी उनकी इनकम हो, और उनका उनके नाम से आप सेव करिए ताकि आपको फ्यूचर में ये लीड किस नाम से बनी है वो याद आएगी। अब यहाँ पे आपको ये पूरी तरीके से ओपन हो गया कि उनकी डिटेल्स आ गई, 41 या 36, सन, डॉटर्स की आ गई, पिन कोड वगैरह आ गया। अगर आपको यहाँ पे मॉडिफाई करके चेंज करना हो कुछ तो कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको कितना इंश्योरेंस कवर लेना है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज़ मैंने 5 लाख का रखा है तो 5 लाख का रख लिए। पॉलिसी आपको इंडिविजुअल चाहिए कि फैमिली फ्लोटर, आप यहाँ से कलेक्ट ले सकते हैं। पर्टिकुलर किसी कंपनी का जाना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो सारी कंपनी का सजेशन आपको नीचे मिलेगा। जैसे यहाँ पे उनके लिए मणिपाल सिग्ना का 30,000 का प्लान आ रहा है, HDFC का 20,000 का प्लान आ रहा है, यूनिवर्सल शैम्पू के प्लान आ रहे हैं, इस तरीके से ये सारी कंपनियों के, ICICI का आ रहा है, आदित्य बिरला है, बजाज हैं, इस तरीके से रहता है। तो आपने सपोज़ कि ऑप्टिमा रजिस्टर सबसे ज़्यादा पॉलिसी सेल हो रही है, नंबर वन पॉलिसी है अभी इंडस्ट्री में, कि सपोज़ को कस्टमर को इसकी जानकारी चाहिए तो आप व्यू पे क्लिक करिए। आप कस्टमर को यहाँ से पूरी उसकी पॉलिसी के फीचर समझा सकते हैं, अगर समझाना चाहें पूरा डिटेल्स आपको यहाँ से मिलेगा। कौन कौन से हॉस्पिटल उनके पिन कोड के पास में है वो भी उनको मिल जाएंगे, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो की हिस्ट्री भी मिल जाएगी। और अगर कस्टमर को थोड़ा और डिटेल में बताना चाहे तो आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके ब्रोशर वगैरह भी डाउनलोड करके कस्टमर के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। जैसे ये ब्रोशर ही डाउनलोड हो गया, ठीक है, आप कस्टमर के साथ ब्रोशर भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको समझने के लिए भी चाहिए तो आप यहाँ से ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे आप ऊपर देखिएगा 90.05% क्लेम सेटल प्लान के पास में शेयर प्लान लिखा हुआ है। आप कस्टमर को शेयर प्लान पे क्लिक करिए। आप कस्टमर को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, SMS भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, लिंक भी भेज सकते हो। सपोज़ कि आपको व्हाट्सएप करना है या डाउनलोड करके किस तरीके की फ़ाइल उनको भेजनी है, आप डाउनलोड कर लिया, किस तरीके से कस्टमर को ये फाइल मिलेगी आप लोग ओपन करके देखिए। जैसे ही उनकी पूरी डिटेल्स आ गई हैं, आपका भी नाम वगैरह ऊपर आएगा सर, कितने का इंश्योरेंस कवर है, क्या प्रीमियम आ रहा है, कितने साल का कवर है, क्या क्या कवरेज होगा, ये पॉलिसी के सारे फीचर्स की जानकारी उनको मिल जाएंगी। यहाँ तक कि उनके हॉस्पिटल की डिटेल्स भी यहाँ पास में मिल जाएगी, जो कैशलेस हॉस्पिटल 80 हॉस्पिटल है उसमें से 5 की लिस्ट यहाँ लिखी हुई है। और यहाँ पे भी व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप हॉस्पिटल की पूरी लिस्ट मिल जाएंगी आपको सर। अब इसके बाद में आप लोग को क्या करना है कि कस्टमर ने देख लिया, कस्टमर ने सपोज पॉलिसी सेलेक्ट कर ली बाय करने के लिए, वेरी गुड,
अगर इसको किसी कंपनी के साथ कंपैरिजन भी करना हो तो आप जैसे कि मान लो ये मान लेते कि आईसीआईसीआई का प्लान, एक आदित्य बिरला का प्लान और एक एचडीएफसी का प्लान का कंपैरिजन भी करना है, तो ये तीनों पे क्लिक किया, साइड में आप कंपैरिजन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ही जगह पे तीनों कंपनी का कंपैरिजन भी बता देंगे और सारे फीचर्स क्या क्या है उसका कंपैरिजन आपस में हो जाएगा। और इसमें से जो भी कस्टमर फाइनल करेगा कि सपोज कस्टमर ने बाद में डिसाइड किया कि उसको ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी खरीदना है, तो व्यू डिटेल्स पे जाइए और